Good morning, students. I am Priya Sinha from Residential Paramount Mission School. I will teach you English of class UKG. Today I will teach you how to read and speak vowel sound I. Let's start. Bean, peen, teen, fin, deep, lip, sip, jeep, hit, pit, sit, kit. Repeat again. Bin, pin, tin, fin, dip, lip, sip, jeep, hit, pit, sit, kit. कुछ फैमिली वर्ड्स है जैसे इट, इट साउंड से कुछ वर्ड है लिप, पीट, किट, हिट, सिट. इग, इग साउंड से वर्ड है बिग, फिग, विग, जिग, डिग. इन साउंड से है टीन, फिन, पिन, विन, सीन. इप साउंड, सिप, लिप, हिप, जिप, पिप. इप साउंड, बीब, नीब, फीब, रीब, लीब. एक बार फिर से पढ़ लेते हैं. इट साउंड से लिट, पिट, किट, हिट, सिट. एक साउंड बिग, फिग, विग, जिग, डिग. इन साउंड से है टीन, फिन, पिन, विन, सीन. इप, इप साउंड से है वर्ड सिप, लिप, हिप, जिप, पिप, इब. इप साउंड से है बीब, नीब, फीब, रिब, लिब. अब वॉवेल साउंड से कुछ वर्कशीट दिया, उसको देखेंगे. फर्स्ट वर्कशीट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ आई. कुछ वर्ड दिया हुआ है, उसमें आई फिल करके वर्ड को कंप्लीट करना है. जैसे एन आई बी, नीब, नीब बन जाएगा. फिर के आई डी किड हो जाएगा, डी आई पी डिप हो जाएगा, जेड आई पी जिप, एस आई टी सिट, बी आई एन बीन, पी आई एन पिन, एल आई पी लिप, एच आई टी हिट, के आई टी किट, टी आई एन टीन, एफ आई एन फिन, एस आई पी सिप, पी आई टी पिट, जी जे आई पी जिप. इस तरह आई फिल करके वर्ड को कंप्लीट करना है. सेकेंड वर्कशीट है सी द पिक्चर एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड. पिक्चर को देखेंगे और जो करेक्ट वर्ड होगा उसको सर्कल करेंगे. जैसे देखिए किस चीज़ का फिगर है, लिप का. यहाँ पर दो वर्ड लिखा हुआ है लिप और डिग, तो इसमें जो लिप होगा उसको इस तरह हम सर्कल करेंगे इस तरह. फिर देखिए सेकेंड फिगर है जीप का, तो एक लिखा हुआ नीब और सेकेंड जिप, तो जिप वाले में इस तरह सर्कल कर देंगे. ये थर्ड फिगर है पिन का, तो पिन वाले में सर्कल कर देंगे. नीब का फिगर है फोर्थ वाले में, तो नीब में सर्कल कर देंगे. थर्ड वर्कशीट है चूज अ वर्ड फ्रॉम द बॉक्स देन राइट इट विथ द वर्ड हैविंग ए सिमिलर साउंड. ये बॉक्स में कुछ वर्ड देवा है, उससे सिमिलर साउंड इसमें ढूंढना है और नीचे वाले जो वर्ड को लिखना है. जैसे आर आई वी रिप, तो इब साउंड इसमें आ रहा है, तो इसमें से ढूंढेंगे इब साउंड से कौन सा वर्ड है. तो एफ आई वी फिब और रिप दोनों सिमिलर साउंड है, तो इसका रिप का सिमिलर साउंड क्या हो जाएगा, एफ आई वी फिब. तो यहाँ पर फिल करेंगे एफ आई बी फिब. फिर देखिए जेड आई पी जिप, जिप में इप साउंड आ रहा है, तो इप वाला हो जाएगा एच आई पी हिप. डब्ल्यू आई एन विन, तो इन साउंड आ रहा है, तो पी आई एन पिन हो जाएगा. इस तरह थर्ड वर्कशीट है टिक द वॉवेल यूज इन ईच वर्ड. यहाँ पर कुछ वर्ड दिया हुआ है, उसमें से देखना है कौन सा वॉवेल से वर्ड दिया हुआ है. जैसे देखिए एफ ए एन फैन है, सी ए टी कैट, बी ए डबल एल बॉल, एफ ए टी फैट. तो ये सारे वर्ड में ए साउंड आ रहा है, ए साउंड आ रहा है, तो हम ए वाले बॉक्स में इस तरह टिक कर देंगे. फिर देखिए सेकेंड में है बी ई डबल एल बेल,
ई डबल जी एग, एच ई एन हैंड, डी एन डेन, ये सारे वर्ड में ई साउंड आ रहा है तो ई वाले बॉक्स में हम टिक कर देंगे इस तरह। सी नंबर में है बी आई बी बीप, एस एच आई पी सीप, एन आई टी नीट, एल आई पी लिप, सारे वर्ड में कौन सा साउंड आ रहा है, आई साउंड, तो आई साउंड वाले बॉक्स में टिक करेंगे सी नंबर में। फिर दिया हुआ है मैच देयर रैमिंग वर्ड, कुछ वर्ड दिया हुआ उसके रैमिंग वर्ड से मैच करना है। जैसे देखिए एच आई टी हीट, हीट के लास्ट में कौन सा साउंड आ रहा है, ईट साउंड, तो इस साइड में हम ढूंढेंगे कि लास्ट में आई टी ईट साउंड किस में आ रहा है। तो अब देखिए लास्ट वाले में सीट, सीट और हीट सेम रैमिंग वर्ड आ रहा है दोनों में, तो हीट को सीट से इस तरह मैच कर देंगे। फिर जे आई जी जी, आई जी है लास्ट में, इधर वाले में देखेंगे आई जी किस में है, तो डी आई जी डिग, तो ये इसका रैमिंग वर्ड हो जाएगा, जिग को डिग से मैच कर देंगे। डब्ल्यू आई एन विन, इन साउंड आ रहा है तो एस आई एन सिन, इसमें भी आई एन है लास्ट में, इन साउंड आ रहा है तो विन को सिन से मैच करें। इसी तरह हम बाकी को मैच करेंगे। फिर राइट फाइव वर्ड्स ऑफ वॉवल साउंड आई, आई साउंड से फाइव वर्ड्स लिखना है, जैसे एच आई टी हीट, सीट, इस तरह फाइव वर्ड लिखना है। नेक्स्ट वर्कशीट है राइट टू रेमिंग वर्ड एल आई टी लिट, इसमें इट साउंड आ रहा है तो ऐसे टू रेमिंग वर्ड लिखना है जिसमें आई टी लास्ट में हो, जैसे एच आई टी हीट हो जाएगा, एस आई टी सीट, देखिए एल आई टी लिट हीट सीट, ये थ्री वर्ड है जो एक दूसरे से रैमिंग वर्ड है, सबके लास्ट में आई टी आ रहा है। फिर देखिए आई जी बिग, बिग में हो जाएगा फिग, एफ आई जी फिग, डी आई जी डिग, इस तरह हम जो साउंड इसका दिया हुआ है यहाँ पर एट साउंड से, तो लिट पिट किट, ये लास्ट में लास्ट का टू लेटर देखेंगे जो साउंड है उससे ही लिखेंगे। तीन इन साउंड से तीन, फीन, पीन, वीन, इस तरह लिखेंगे। इप साउंड, इप साउंड से सीप, लीप, हीप, जीप, इस तरह आ जाएगा। रिप्लेस द वॉवेल ई विथ आई टू मेक ए न्यू वर्ड, यहाँ पर ई लिखा हुआ है उसकी जगह पर हमको आई लिख कर न्यू वर्ड बनाना है, जैसे एस ई टी सीट है तो इस ई के प्लेस पर आई हो जाएगा, ये सीट बन जाएगा। टी एन टेन है तो टी आई एन टीन हो जाएगा, एल ई टी लेट है तो एल आई टी लिट हो जाएगा, पी एन पेन है तो पी आई एन पिन हो जाएगा, जहाँ भी ई है उसके प्लेस पर हमको आई लिखना है। फिर नेक्स्ट है वर्कशीट ज्वाइन द वर्ड्स, ये देखिए इस बॉक्स में इट आई टी लिखा वर्ड, इधर एल पी के एच, ये आई टी को इस सारे लेटर्स से ज्वाइन कर कर वर्ड बनाना है, जैसे फर्स्ट को ज्वाइन करेंगे एल आई टी लिट, एल आई टी लिट हो जाएगा, फिर पी आई टी पी, के आई टी किट, एच आई टी हिट, इस साइड लिखेंगे ज्वाइन कर कर वर्ड को। फिर इन को ये साइड वाले लेटर से ज्वाइन करके सामने बॉक्स दिया हुआ उसमें लिखना है, जैसे फर्स्ट में यहाँ देखिए टी को इन से ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, टी आई एन टीन, फिर एफ को इन से ज्वाइन कर देंगे एफ आई एन फिन हो जाएगा, एस को आई एन से ज्वाइन कर देंगे तो सिन हो जाएगा, पी को आई एन से ज्वाइन करेंगे पिन, डब्ल्यू को आई एन से ज्वाइन करेंगे तो विन, इस तरह इसको ज्वाइन करके वर्ड बनाना है। फिर देखिए आई जी ईग साउंड को इधर वाले लेटर से ज्वाइन करके इधर कंप्लीट करके लिखना है, जैसे बी को आई जी से ज्वाइन करेंगे तो बिग बन जाएगा, डब्ल्यू को आई जी से ज्वाइन करेंगे तो बिग हो जाएगा, डी को आई जी से ज्वाइन करेंगे तो डिग हो जाएगा, इस तरह ज्वाइन करके वर्ड बनाना है। अरेंज एंड जम्पर वर्ड, वर्ड को इधर उधर लिखा हुआ है इसको अरेंज करके लिखना है, जैसे देखिए टी आई एच लिखा हुआ है, इससे कोई मीनिंग नहीं बनता है लेकिन इसको अरेंज करेंगे एच आई टी हीट, तो हीट रैमिंग वर्ड, ये हीट हो जाएगा इसका अरेंज कर कर।
फिर देखिए आई टी पी है तो पी आई टी पिट हो जाएगा। ये सारे वर्ड आपको आई साउंड से ही है। एस आई टी सीट हो जाएगा, जेड आई पी जीप, फिर हो जाए एन आई एफ आई एन फिन हो जाएगा, टी आई एन टीन हो जाएंगे, एल आई पी लिप हो जाएगा। अरेंज करके वर्ड को सही करना है। फिर चूज एंड राइट इफ साउंड वर्ड एंड इफ साउंड वर्ड इन द गिवन बॉक्स। इस बॉक्स में कुछ वर्ड लिखा हुआ है जो इफ साउंड से है और इफ साउंड से। इफ साउंड वाले वर्ड को इधर ढूंढ कर लिखना है और इफ साउंड वाले वर्ड को इस साइड वाले बॉक्स में लिखना है। जैसे देखिए एस आई पी सिप, ये कौन सा साउंड आ रहा है? इफ। तो ये इफ साउंड वाले वर्ड में लिखेंगे इस साइड एस आई पी। फिर देखिए बी आई बी बी, इफ साउंड वाले वर्ड में जाएगा इस बॉक्स में बी आई बी। फिर एल आई पी लिप, इफ साउंड वाले वर्ड में जाएगा बॉक्स में, इस बॉक्स में लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर एल आई पी। इसी तरह फिर एन आई बी निप, तो इफ वाले बॉक्स में जाएगा। एच आई पी हिप, तो हिप वाले बॉक्स में आएगा। जेड आई पी जिप, पी इफ वाले बॉक्स में आएगा। एफ आई बी फिप, इफ वाले बॉक्स में आ जाएगा। इस तरह हम देखेंगे लास्ट का दो लेटर देखेंगे कौन सा साउंड आ रहा है। आई पी होगा तो इस वाले बॉक्स में इफ वाले साउंड में आएगा, आई बी होगा तो इफ वाले बॉक्स में जाएगा। अलग अलग कर कर लिखना है। उसके बाद एक आपके बुक में भी एक वर्कशीट है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ आई। फिगर दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग, ये देखिए एन आई आई फिल कर देंगे तो क्या बन जाएगा? एन आई बी निब, के आई डी किड हो जाएगा, बी आई बी बिब, एल आई डी लीड, एल आई पी लिप, जेड आई पी जिप, के आई एन जी किंग, एस एच आई पी सिप, आर आई एन जी रिंग। जितने भी वर्ड दिए उस जहाँ पर ब्लैंक्स दिया हुआ है उस वहाँ पर आई फिल करना है और वर्ड को कंप्लीट करना है। टिक द वॉवेल यूज इन ईच फिगर। फिगर में कौन कौन से वॉवेल का यूज हुआ है उसको देखेंगे। जैसे बी आई बी बी आई वॉवेल यूज हुआ है, एस एच आई पी सिप में भी आई हुआ है, एन आई बी निम में भी आई वॉवेल साउंड यूज हुआ है, तो आई वाले में हम इस तरह टिक कर देंगे। उसके बाद हमारा पिक्चर बुक से है, ट्वाइस चैप्टर है। देखिए एल ओ डबल आर वाई ए एन डी एल ओ ए डी ई आर, लॉरी एंड लॉडर। ये इस देखिए लॉरी एंड लॉडर में किस तरह का फिगर दिया हुआ है, ट्वाइस नेम है। इसके बी ओ डब्ल्यू वो एंड ए एन डी एंड ए डबल आर ओ डब्ल्यू वो एंड एरो मीन्स होता है धनुष और बाण। टी ओ वाई ट्वाई एच ई एल आई सी ओ पी टी ई आर ट्वाई हेलीकॉप्टर, खिलौना हेलीकॉप्टर। टी ओ वाई ट्वाई ए ई आर ओ पी एल ए एन ई ट्वाई एरोप्लेन, खिलौना हवाई जहाज। फिर आर ए सी आई एन जी रेसिंग, सी ए आर कार, रेसिंग कार। टी ओ वाई ट्वाई एच ओ आर एस ई ट्वाई हॉर्स, खिलौना घोड़ा। टी ओ वाई ट्वाई सी ए आर कार, खिलौना कार। टी ई डबल डी वाई टेडी बी ई ए आर बियर, टेडी बियर। टी ओ वाई ट्वाई ई एल ई पी एच ए एन टी एलिफेंट, ट्वाई एलिफेंट, खिलौना हाथी। इससे कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ योर फेवरेट ट्वाई। आप किसी भी ट्वाई का नाम लिख सकते हैं। अगर आपको टेडी बियर अच्छा लगता है तो टेडी बियर लिख सकते हैं, आपको रेसिंग कार अच्छा लगता है तो रेसिंग कार लिख सकते हैं, कोई भी जो आपका फेवरेट हो तो लिख सकते हो। तो मैं यहाँ रेसिंग कार लिख देती हूँ, आर ए सी आई एन जी रेसिंग सी ए आर कार। नेम ए ट्वाई डैट यू प्ले विथ इन स्कूल। एक ट्वाय का नाम लिखना है खिलौना का जो आप स्कूल में खेलते हो, स्कूल में जिस खिलौने से खेलते हो उस खिलौने के नाम लिखना है। तो
टॉय हॉर्स भी हो सकता है, तो टॉय हॉर्स भी लिख सकते हैं, टॉय एच ओ आर एस ई हॉर्स। फिर हाउ मैनी टॉयज डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने खिलौने हैं, तो अब थ्री है तो आप थ्री लिख सकते हैं, फोर है तो फोर लिख सकते हैं, फाइव है तो जितने खिलौने आपके पास है आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ फोर फिल कर देती है, एफ ओ यू आर फोर। स्क्रैप बुक हो गया आप लोग के पास इस तरह का, इसमें आपको करना है क्या, पेस्ट एनी फाइव टॉयज आइटम एंड राइट देयर नेम। कोई भी टॉयज यहाँ पर चैप्टर सब्जेक्ट नेम लिखिएगा पिक्चर बुक, और ये हेडिंग को पहले लिखना होगा पेस्ट एनी फाइव टॉयज आइटम एंड राइट देयर नेम। उसके बाद कोई भी फाइव टॉयज का पिक्चर पेस्ट करना है और उसके नीचे उसका नाम लिखना है। उसके बाद आपका एक रैम्स बुक होगा, रैम्स बुक में पेज नंबर थ्री पुशी कैट। अब पुशी कैट को दो तीन बार मेरे साथ बोलिएगा, पुशी कैट वेयर हैव यू बीन, आई हैव बीन टू लंदन टू विजिट द क्वीन। पुशी कैट व्हाट डिड यू देयर, आई फ्राइटेंड अ लिटिल माउस अंडर हर चेयर। फिर से रिपीट कीजिए, पुशी कैट वेयर हैव यू बीन, आई हैव बीन टू लंदन टू विजिट द क्वीन। Pussycat, what did you there? I frightened a little mouse under her chair. इसको दो तीन बार पढ़ना है और इसको अच्छे से रिमेम्बर करना है। उसके बाद आपका एक राइटिंग बुक होगा। पिछले वीडियो में मैंने ट्रेस करने के लिए कुछ लाइनें दी थी, इस तरह का ट्रेसिंग था, पेज सेवन तक ट्रेस करने के लिए दिए थे। उसके बाद आपको कर्सिव कैपिटल ए और स्मॉल ए को लिखना और ट्रेस दोनों करना है। तो सबसे पहले देखिए कैपिटल ए किस तरह लिखते हैं, यहाँ पर ऊपर हिंट्स दिया हुआ है। देखिए अब वन नंबर में इस तरह लाइनिंग गया हुआ, फिर बैक आया है, फिर इस तरह राउंड कर फिर इस तरह बाहर आया है, इस तरह कैपिटल ए लिखा जाता है। एक बार फिर से देखिए, वन नंबर दिया हुआ है, वन से टू इस तरह ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर वाले लाइन से इस तरह मूव करके इधर आया है। अब देखिए पहले यहाँ पर ट्रेस करना है, इस तरह ट्रेस करना है, ट्रेसेज एरिया में जो भी दिया हुआ लेटर उसको इस तरह ट्रेस करेंगे। इसमें फोर लाइन दिया हुआ है, वन टू थ्री फोर, आपको वन टू थ्री के बीच में आपको कैपिटल ए लिखना है। अब देखिए इस तरह यहाँ से लाइएगा, मूव कीजिएगा, नीचे आएगा, फिर उसी लाइन में ही ऊपर इस तरह कर्व करके इस तरह निकालना है, ए लिखना है, स्मॉल ए। वन नंबर में आप देखिए इस तरह जाएगा, फिर वहीं से बैक होकर फिर इस तरह मूव कर जाएगा, स्मॉल ए को भी इस तरह ट्रेस करेंगे, बाकी का सबका ट्रेस करेंगे। और नीचे ये स्मॉल ए आपको इसमें भी फोर लाइन दिया हुआ है, लेकिन आपको टू और थ्री के बीच में लिखना है, इस तरह लाएंगे, इसको फोल्ड करेंगे और मूव कर देंगे। टू और थ्री के बीच में स्मॉल ए लिखा जाता है, कैपिटल ए वन और थ्री लाइन के बीच में आएगा, ए लिखेंगे। उसके बाद बी को बी बनाना है, बी में देखिए इस तरह पहले लाएंगे, फिर मूव करेंगे, फिर इस तरह मूव कर और इसको टच नहीं करेंगे, इसको बाहर से ही इस तरह होल्ड कर देंगे। ये भी फोर लाइन रहता है, वन टू थ्री फोर, आपको वन टू थ्री के बीच में ही लिखना है, पहले ट्रेस करेंगे इस तरह, फिर इसको लिखना भी है, वन और थ्री के बीच में आएंगे इस तरह और इसको फोल्ड करना है। स्मॉल बी में नंबरिंग दिया हुआ है, इस तरह ऊपर जाएगा, फिर इसको फोल्ड करके इधर निकालना है, इसको भी इसमें टच नहीं करना है, पहले इस तरह ट्रेस करेंगे फिर इस तरह फोल्ड कर देंगे। नीचे वाले लाइन थर्ड लाइन से ऊपर फर्स्ट लाइन तक जाएगा, फिर थर्ड टू सेकेंड वाले लाइन में टच करके फोल्ड करके इस तरह जाएगा बाहर। आपको ए और बी बनाना है राइटिंग में पेज नंबर नाइन तक। आई होप कि आपने पूरी वीडियो को अच्छे से देखा होगा।
और नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।